जेपी वर्ल्ड न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेपी वर्ल्ड न्यूज में और आपके साथ मैं हूँ प्रदीप्ता रमोला। आज पूरा विश्व फोटोग्राफी दिवस मना रहा है। इस दिवस में सभी फोटोग्राफर्स इस दिवस को अच्छे से मना रहे हैं, वहीं आज हम उत्तराखंड में भी यह दिवस मनाया जा रहा है और कई फोटोग्राफर्स हमारे साथ मौजूद हैं। फोटोग्राफर्स ने यहाँ पर जो रक्तदान शिविर है उसका आयोजन भी किया है। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पे कई फोटोग्राफर्स भी मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मनीष शर्मा है। सर, आज पूरा विश्व फोटोग्राफी दिवस मना रहा है और कहा जाता है कि एक तस्वीर जो है वो 100 शब्दों को बयां करती है। बिल्कुल जी। सर्वप्रथम तो मैं देहरादून और पूरे देश के फोटोग्राफर्स को आज के दिन, जो एक तरफ से हमारा त्यौहार ही माना जाता है, तो हम इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। विश्व फोटोग्राफी दिवस एक हमारा मुख्य दिन है हमारे लिए। और दूसरी चीज़ कि सभी के सुख दुख में, विवाह हो चाहे कोई भी संबंध हो, एक फोटोग्राफर की अलग भूमिका रहती है। तो उस जगह में हम लोग सबके बैठते हैं, तो एक धारणा थोड़ी सी हमारे मन में आई थी कि हम लोग समाज के साथ एक अच्छे सहयोग के लिए भी सामने आएँ। तो 2-3 वर्ष से हम लोग जो है ये रक्तदान शिविर लगाते आ रहे हैं और इसी दिन लगाते हैं हमेशा, और कोई काम नहीं। करीबन जिनको ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरतमंद होते हैं, सबको निःशुल्क ब्लड मिल जाता है और हमारी तरफ से एक दिल को शांति मिलती है कि हम उनको कुछ अच्छा सहयोग कर पाते हैं। जैसे कि इनका कहना है कि जब कोई शुभ कार्य होता है, शादी विवाह, तो वहाँ पे फोटोग्राफर्स जाते हैं और लोगों की खुशी में शामिल होते हैं। इसी को देखते हुए रक्तदान शिविर का भी उन्होंने आयोजन किया है ताकि जिनको रक्त की ज़रूरत हो उनके लिए उनकी पूर्ति की जाए और जो रक्त की कमी है उसे दूर किया जाए। इसके साथ भी हमारे साथ और भी फोटोग्राफर्स यहाँ पे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डेज है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस है, हम लोग फोटोग्राफर से मिलकर साथ मिलकर चलें और जितने भी रक्त जिन्होंने आज यहाँ पे ब्लड दिया है, खून दिया है, उन सब के जो लोगों से कामना करता हूँ। और हमारा देहरादून फोटोग्राफर एसोसिएशन है और मैं चाहता हूँ ये और आगे दिन दुनी राग चौनी तरक्की करें। इनका कहना है कि जो यहाँ पर रक्तदान करने के लिए पहुँच रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं हैं और ये जो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है इसको लेकर जो दुनिया में तस्वीरें हैं, जो विश्व की तस्वीरें हैं, उनको एक स्पष्ट और साझा तरीके से विश्व के सामने रखा जाए। आपको बता दें कि हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के फोटोग्राफर्स को ऐसी तस्वीर खींचने के लिए प्रोत्साहित करना है जिसमें पूरे विश्व की स्पष्ट और साझा झलक हो। यानी इनका सामान्य सा उद्देश्य तस्वीरों के माध्यम से अपनी दुनिया को बाकी दुनिया से रूबरू करवाना है। यह एक सालाना वैश्विक उत्सव है जिसमें फोटोग्राफी के इतिहास, इसकी कला, शिल्प और विज्ञान का प्रदर्शन किया जाता है। वहीं आज विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर देहरादून फोटोग्राफर्स वेलफेयर सोसाइटी ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इस दौरान कई फोटोग्राफर्स इस शिविर में पहुंचे और उन्होंने ब्लड डोनेट भी किया है जिससे कि जो रक्त की कमी है उसको पूरा किया जा सके। इसी के साथ हमारे साथ एक और फोटोग्राफर है जो इस समय रक्तदान कर रहे हैं, ब्लड डोनेट किया जा रहा है ताकि लोगों को रक्त की जो कमी है उसको दूर किया जाए। सर, आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट जितने से ज़्यादा किया जाए, जिसकी जितनी भी जाने बच सके और उससे ज़्यादा बेस्ट और कुछ नहीं है। और सब लोगों के लिए मेरी तरफ से हैप्पी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। सर, आज जो एक फोटोग्राफ की एक तस्वीर है वो पहले के अकॉर्डिंग अब काफ़ी चेंज हो चुकी है। आजकल के यूथ को आप अगर कोई फोटोग्राफी करना चाहता है उसको क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस उसको शुभकामना है मेरी तरफ से और कुछ नहीं। ऐसे यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, इस दौरान रक्तदान भी किया जा रहा है। फोटोग्राफर्स यहाँ पे मौजूद है, उनका कहना है कि जो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है इस पर रक्तदान शिविर का आयोजन करके, लोगों का भला करके फोटोग्राफर्स जो हैं वो उनको अच्छा महसूस होता है ताकि लोगों की भलाई हो सके, वहीं रक्तदान शिविर लगा के रक्त की जो कमी है उसको दूर किया जा सके। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस है और वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस पर मैं सभी फोटोग्राफर्स और खासकर मोबाइल ग्राफर्स, क्योंकि आजकल फोटोग्राफी का थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, लोग DSLR कैमरे तो यूज़ कर ही रहे हैं, साथ में मोबाइल से भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग,
अच्छी मोबाइल क्लिपिंग और शहर में कहीं कोई घटना होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो मोबाइल से सोशल मीडिया के जरिए आपके पास बहुत जल्दी पहुंचती है। तो उन्हीं सब मोबाइल ग्राफर्स को भी मैं आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की शुभकामनाएं देता हूं। खास बात यह है कि कहा जाता है कि एक फ़ोटो जो होता है ना वो 100 शब्दों के बराबर होता है, तो इसीलिए वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर फोटोग्राफर्स जितने भी हैं और जो फोटोग्राफी का जो शौक़ रखते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, नेचर पर काम करते हैं और फोटो जर्नलिस्ट हैं, वेडिंग फोटोग्राफर हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी और अच्छा काम करेंगे। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन आशु के साथ प्रदीप तरमोला, जेपी वर्ल्ड न्यूज़, देहरादून।